हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट। मैं सीमा, आज मैं आप लोग के साथ में रिंस हेयर वाटर शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है, वीडियो हेल्पफुल लगे, तो आप लोग मुझे वीडियो पे बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा बहुत सारे लोगों के साथ में, ठीक है। और इस रेमेडी को यूज कीजिएगा, फीडबैक जो भी मिले आप मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज देख लेते हैं कि आज मैं आप लोग के साथ में जो रिंस हेयर वाटर शेयर करने वाली हूँ उसके बेनिफिट्स क्या है, देन उसके बाद देखेंगे इसको बनाना कैसे है, उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज, जो रिंस हेयर वाटर मैं यूज कर रही हूँ, कलौंजी का और भृंगराज का, इतना अच्छा है, बहुत ज्यादा आपके बाल सिल्की हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, इतना कि आपके बाल बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा सिल्की हो जाते हैं, इतनी सॉफ्टनेस आ जाती है अगर आप यूज करते हो। जिस वे में बता रही हूँ उसी वे में यूज करना, जो चीजें मैंने ली हैं, इंग्रेडिएंट वगैरह जो चीजें ऐड करी हैं, जैसे जैसे वही चीज आपको भी ऐड करनी है, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप लोग कहोगे कि दीदी हम ये यूज कर रहे हैं, आप लोग बाद में ये कहोगे कि दीदी हम ये यूज कर रहे हैं बट हमें रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। तो जो चीजें मैं यूज करती हूँ, जो चीजें मैं डालती हूँ, वही चीज आप लोग यूज कीजिएगा, आप लोग को रिजल्ट डेफिनेटली जरूर मिलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बाल सिल्की हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, घने हो रहे हैं, जो बेबी हेयर धीरे धीरे लंबे हो रहे हैं वो भी घने होना स्टार्ट हो रहे हैं। देख सकते हो आप मेरे यहाँ पर बाल कितने कम हो गए थे, सारे बाल आ चुके हैं यहाँ पे और इस साइड में, तो ये पूरा भर चुका है। आप लोगों से मैं यहाँ पर कहूंगी कि रिंस हेयर वाटर हफ्ते में 2 बार 3 बार जब भी आप हेयर वॉश करोगे तब आपको यूज करना है। इससे आपके बाल सिल्की, स्मूथ, थिक आपके बाल होंगे, लॉन्ग आपके बाल होंगे, काले बाल होंगे आपके, आपको ना एक नेचुरल कलर मिलेगा, आपके बाल काले नहीं जैसे डाई होते हैं वैसे नहीं होंगे और लाल भी नहीं होंगे, मिक्स आपको एक नेचुरल कलर मिलेगा। और उसके बाद से आपके बालों का जो रिपेयर करने का जो, मतलब जो आपके बाल हैं वो अगर रिपेयर नहीं है अच्छे तरीके से, सॉफ्ट सिल्की साइनी नहीं है, तो वो भी होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके बाल बहुत घने और हैवी से आएंगे, ठीक है। अगर आप इसको यूज करते हो तो 1 महीने करके देखना, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप इसको यूज करना, यूज करने के बाद से फीडबैक देना, एक हफ्ते में ही आपका जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है और उसके बाद देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन, फिर मिलती हूँ मैं। सो गाइज, चलिए देख लेते हैं इस वाटर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो आप लोग को पता ही है वही मेरा फेवरेट वाला कटोरा बाउल, ठीक है। और उसके बाद से हम इसमें डाल देंगे 1.5 ग्लास के करीब पानी। आप यहाँ पर ज़्यादा भी बना सकते हो, मैं यहाँ पर केवल 15 दिन के लिए बना रही हूँ, फिर से मैं चेंज करूँगी। तो मेरा भृंगराज जो टोनर था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसी बॉटल में इसको रखना है, तो मैं यहाँ पर इतना ही बनाऊँगी कि उसमें आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा 1 ग्लास के करीब मेरा भृंगराज वाटर होगा और उसमें ही मैं इसको ऐड करने वाली हूँ। तो ये आपका कलौंजी प्लस भृंगराज रिंस हेयर वाटर आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम का मेरा पैकेट था कलौंजी का, मैंने यहाँ पर 25 ग्राम के करीब ऐड कर दिया है इसमें, और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और मैं आप लोग के साथ में यहाँ पर कोई वीडियो में कटिंग नहीं करने वाली हूँ, जिससे कि आप लोग को सारी चीज़ें आराम से दिखती रहें और सब कुछ पता लगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें अपना कोई भी फेवरेट एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हो। आप जब देखोगे ना कि कलौंजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी देख रहे हो आपकी सारी कलौंजी पानी के ऊपर है, ठीक है। जब आपकी कलौंजी में इफ़ेक्टिव होगा, अगर आपकी कलौंजी अंदर से खोखली नहीं होगी, तो वो पानी के अंदर धीरे धीरे सारा डूब जाएगी। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो कलौंजी है वो ख़राब नहीं है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये रेमेडी आपको तभी इफ़ेक्ट करेगी अगर आपकी कलौंजी बहुत ज़्यादा पुरानी होगी, ख़राब होगी, तो वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रख कर के आप ले करके आइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पैकेट वाला यूज़ कर रही हूँ, तो मेरी कलौंजी जो है, मैंने कितने मंगाए थे, आई थिंक 25-30 पैकेट मंगाए थे मैंने, तो मेरे पास पैकेट वाले हैं, तो मैं पैकेट वाले ही यूज़ करती हूँ और वो अच्छी भी होती हैं, सही भी रहती हैं। अब कलौंजी को यहाँ पर आप अनियन सीड बोल सकते हो, ठीक है, मंगरेल भी बोलते हैं, बहुत सी जगहों पर एक ही चीज़ें हैं ये, ठीक है, अचार वगैरह में डाली जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोग को क्लियर कर दिया। अब ये जान लीजिए आप लोग कि ये जो वाटर है, रिंस हेयर वाटर, कलौंजी प्लस भृंगराज का रिंस हेयर वाटर, आपके बालों में जाकर आपके बालों को थिकनेस प्रोवाइड कराता है, आपके बालों को काला बनाता है और जड़ से मजबूत करता है। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार जब भी अपने बालों को धोते हो, तब आपको अपने बालों को इसमें इसी पानी से रिंस करना है। रिंस करने की जो तरीका है मैं आप लोग के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि वो आप लोग के साथ में ज़रूर जाना चाहिए, जिससे कि आप लोग को मेथड ज़रूर पता लगे, है ना। तो जब आप इससे बालों को रिंस करोगे तो आपके बाल बहुत ही तेज़ी से लंबे होते हैं।
स्पेशली फॉर ये लड़कों के लिए भी है, जो बॉयज़ हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या हो रही है, जिनके बहुत ज़्यादा बाल्डनेस की समस्या हो रही है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका मैसेज आया कि दीदी आप हम लड़कियों के लिए सारी चीज़ बता रहे हो, थैंक यू। मैं आपको यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनका नाम नहीं याद आ रहा है, देखो गाइस बहुत सारे लोग होते हैं तो नाम नहीं याद है मुझे। तो उन्होंने कहा कि दीदी आप हमारे हस्बैंड के बारे में भी सोचो और उनके लिए भी आप रेमेडी लेकर के आओ। तो ये अगर बॉयज़ ऐसे हैं जो ऑयलिंग नहीं कर सकते हैं, अपने बालों में पैक नहीं लगा सकते हैं, तो वो यहाँ पर इस वाटर का यूज़ कर सकते हैं अपनी बालों की थिकनेस के लिए, बाल्डनेस के लिए, अपने बालों में डेंसिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो आपके बालों में डेंसिटी की प्रॉब्लम हो चुकी है, आपकी बालों में जो समस्या है वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे, घने होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपके लिए और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। देखो अभी से केयर करोगे तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है, और जब आप धीरे धीरे करोगे तब आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक दो महीने अपने बालों की केयर कर लेते हैं और कभी कुछ ऐसे टाइम आते हैं, कभी कुछ ऐसा हो जाता है हमारे साथ में कि हम एक महीने दो महीने अपने बालों की केयर नहीं कर पाते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी समस्या नहीं होती है, ठीक है। अगर आप दो महीने तीन महीने बालों में केयर नहीं कर पाते हो और आपने छः महीने पहले से अपने बालों की केयर करना स्टार्ट किया है तो आपके बालों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हो सारी कलौंजी नीचे जाकर के बैठना स्टार्ट हो गई है और जो पानी का कलर है वो भी आपका अच्छे से बिल्कुल काला काला सा होने लगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी ऊपर पानी में तैर रही थी सारी नीचे बैठ गई हैं, ठीक है। अब जब ये बॉयल होंगी तो वो आपस में ऊपर नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी कलौंजी अंदर से खोखली होगी तो वो ऊपर तैरती रहेगी और अगर वो अंदर से सही होगी तो वो नीचे की ओर पानी में चली जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कलौंजी बिल्कुल नई लेनी है और अच्छी लेनी है, ख़राब नहीं लेनी है, ठीक है, खुली कोई चीज़ नहीं लेनी है आपको, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोग से यहाँ पर ये बात कर रही थी कि गाइस अगर आप लोग अपने बालों की केयर करोगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे और ये नहीं है कि आपने एक महीना कर लिया और उसके बाद आप हार मान के बैठ गए, ऐसा नहीं। या मेरे कहने पे मेरे साथ आप लोग चैलेंज लो 1 मंथ का और उसके बाद से आप लोग करो 1 महीने 2 महीने 3 महीने, मेरे कहने पर आप लोग 6 मंथ हेयर केयर रूटीन अपनी मेरी फॉलो करो, आपको बहुत बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे, आप लोग खुद ही खुश हो जाओगे, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं मिले फिर आप लोग कहना, और आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट देखा कीजिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट किया कीजिए, मैं आप लोगों के लिए वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कराती हूँ। जो भी इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करूँगी वहाँ पर मैं अब लिंक प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती थी तो अब नहीं होगी। और गुड वाइब्स की जो एसेंशियल ऑयल थे या फिर आपके और भी जो एसेंशियल ऑयल मैं यूज़ करती थी वो काफ़ी महंगे हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर कोई भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको गुड वाइब्स का ही लेना है, आप कोई भी ले सकते हो, बट आपको वहाँ पर देख लेना है, पढ़ लेना है, उसके बाद से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टा पे फोटो सेंड कीजिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरा ज्वाइन बटन भी ले सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, ठीक है, आपकी सारी हेल्प की जाती है। और अगर आप ज्वाइन बटन लेते हो तो मैं आप लोगों को अलग से रेमेडीज़ वगैरह भी देती हूँ आपके बालों के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं वहाँ पर पिक वगैरह आप लोगों से लेती हूँ, तो ये हम छान करके स्टोर कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे करना कैसे है, आप लोगों को दिखा देती हूँ कि करना कैसे है। तो देखिए मैंने इसमें भृंगराज डाला हुआ है आधा और यहाँ पर मैंने कलौंजी डाला हुआ है, ठीक है। तो मैंने कलौंजी ज़्यादा यूज़ किया है और भृंगराज मेरा कम है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे नए बाल चाहिए, बालों की थिकनेस ज़्यादा चाहिए इस वजह से। तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, ड्राई हैं और बहुत ज़्यादा मतलब झड़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर कलौंजी और भृंगराज की मात्रा एकदम बराबर बराबर कर सकते हैं। और अगर आपको बालों की थिकनेस चाहिए तो आप यहाँ पर कलौंजी का जो पानी है उसको आप ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिएगा कि आपको क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, किस चीज़ को आपकी नीड है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 बाल्टी पानी लिया है और 1 बाल्टी पानी में एक बकेट और पानी में मैंने यहाँ पर अपने बालों को डाल दिया है। शैम्पू करने के बाद से ये एप्लीकेशन करना है आपको, तो मैंने मॉर्निंग में शैम्पू कर लिया था, ठीक है, और ये मैं शाम के टाइम में कर रही हूँ। और जब आप शाम के टाइम में अपने बालों में रिंस लेते हो ना तो आपको बहुत रिलैक्स मिलता है, और मैंने यहाँ पर खाना वाना सारा कुछ खा लिया था उसके बाद मैंने ये चीज़ की है, बड़ा रिलैक्स मिला था और बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपके बाल अगर 50-100 झड़ रहे ना तो अगर आप इसको कंटिन्यूसली 1 मंथ यूज़ करते हो तो आपके बाल 10 से 12 ही निकलेंगे और वो भी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग करके ज़रूर देखना, और बहुत ही प्यारा सा पैक आने वाला है कल, तो आप लोग उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। वो पैक स्पेशली बालों को लंबा और घना बनाने का काम करेगा और
आपके बाल अगर वाइट हो रहे हैं तो उनको ठीक करेगा, ठीक है। तो आप लोग यूज़ ज़रूर कीजिएगा, बट ये है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं वो पैक जरूर से ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मैं वही स्टार्ट करूँगी अब। सो गाइज, देखा आपने, इसी तरीके से आपको ये रिंस हेयर वाटर रेडी करना है और इसको आपको स्टोर करके एक महीने के लिए आप स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बाहर ही स्टोर करना है, घर के अंदर फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, मतलब घर के अंदर गलत मतलब मत निकालिएगा, मतलब घर के अंदर ही इसको रखना है। और अपने रूम टेम्परेचर में रख सकते हो, जहां आप पंखा चलाते हो वहां रख सकते हो, जहां आप एसी चलाते हो वहां रख सकते हो, जहां आप रूम में रहते हो वहां रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको इसको फ्रिज में नहीं रखना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो गाइस तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू।